बना खिलाया बेटे को इतना तैयार किया, चूरमा बना बना मालपूड़े बना बना कने जलेबी तर तर कने देसी घी में। अच्छा देसी घी का चूरमा मालपूड़े और जलेबी खिलाई ताकि बेटा मजबूती से इस खेल को खेल सके और मेडल आगे ले सके। राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सबको पता है कि गांव बड़म्बा के लाडले बेटे ने जो इंडियन पुलिस, जो नेशनल पुलिस गेम्स हैं उसके अंदर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, और वो साइकिलिंग का गेम है जो एक विशेष गेम है और बहुत बड़ी ताकत रखता है। इस तरह के गेम के अंदर गोल्ड मेडल लेके आना, जिनका चयन भविष्य के लिए इंटरनेशनल के लिए कनाडा के लिए हुआ है, और ये इंटरनेशनल खेलने के लिए कनाडा में जाएंगे। इनका सफ़र, जो पिछला सफ़र है वो कैसा रहा है, आइए इनसे खुद ही बात कर लेते हैं। तो हमारे साथ में गोल्ड मेडल विजेता, इस गांव बड़म्बा की महम चौबीसी की पूरे रोहतक क्षेत्र की हरियाणा की आन बान शान, जिन्होंने इस देश के नाम को ऊंचा उठाने का काम किया और भविष्य में तिरंगे के नाम को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले जाने का काम करेंगे, उनसे बात करते हैं। राम राम भाई। राम राम। कहाँ पर आयोजित किए गए थे खेल? ये लखनऊ में थे। लखनऊ में थे, तो कब से तैयारियाँ चल रही थी इनकी? ये काफ़ी टाइम से तैयारियाँ थी इसकी, लंबे टाइम चल रही थी। तो वहाँ पर किस प्रकार का माहौल था, क्या अपने आप को उसके अनुकूल डालने में कितनी समस्याएं पैदा हुई आपके? समस्याएं तो काफ़ी होती हैं, फिर एडजस्ट करके चलना पड़ता है हर चीज़ को, और ये मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, तो अलग से होता है अपना। चलो दर्शक साथियों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले इन्होंने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, और नेशनल गेम्स जो साइकिलिंग का इससे पहले हुआ था नेशनल गेम्स, उसमें ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। लेकिन अथक मेहनत और प्रयास के बाद अब की बार इन्होंने गोल्ड प्राप्त किया है। भविष्य में आपका कनाडा के लिए सिलेक्शन हुआ है? हाँ, आगे के लिए तैयारी है। अभी क्या लेके चल रहे हो? अभी आगे के लिए कंपटीशन के लिए और भी ऊपर तक जाने की तैयारी है। गोल्ड का लक्ष्य वहाँ? गोल्ड के लिए ट्राई है, दम लगा के लड़ेंगे, फुल अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छूटेगी। तो गांव का आज देख रहे हैं, पूरा गांव उमड़ के आया स्वागत के लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं? गांव की खुशी और मेरी खुशी इसमें मैं जाहिर नहीं कर सकता, अब तो और भी ज़्यादा जोश के हिसाब से चलेंगे। जैसे दर्शक साथियों, आपको बता दूं, इस गांव के अंदर तीन तीन चार चार खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, और ये उसी का नतीजा है, लगातार खेल होते रहते हैं और गांव के लोग खेल के ऊपर हर साल 50 लाख रुपए के लगभग खर्च कर देते हैं, क्योंकि भविष्य उनका मजबूत हो, और भविष्य में युवा, जो गांव के युवा हैं, बच्चे हैं, देखने वाले हैं, इस तरह के कार्यक्रम से प्रेरित होकर अमित भाई की तरह देश का नाम रोशन करें और गोल्ड मेडल लेके आए और भविष्य में नशे से दूर रहें, इस भविष्य की जो कुरीतियाँ जो वर्तमान समाज में हैं उनसे दूर रहें। अपने रोल मॉडल किसको मानते हो इस खेल में? मैं रोल मॉडल अपने गांव को ही मानता हूँ, जो मेरी फैमिली ने मेरा सपोर्ट किया है इसके लिए, सबसे बेस्ट है। जैसे गांव के स्तर पर साइकिल तो सभी चलाते हैं, लेकिन आपको कहां से ये महसूस हुआ कि इस प्रकार के गेम में आपको आगे बढ़ना चाहिए? मेरे को गाइड किया गया था एक कोच साहब, जोगिंदर कोच है, उनके थ्रू मेरे को गाइड किया गया था, क्योंकि वो पहले एयरफोर्स के कोच थे साइकिलिंग से ही, उन्होंने साइकिलिंग से ही भर्ती हुआ था, और अभी फिलहाल वो NIS में है। तो फिलहाल जिस प्रकार से गांव की भीड़ उमड़ी है, वो भविष्य में आपसे बड़ी उम्मीद करता है, क्या खरे उतरेंगे? बिल्कुल खरे उतरेंगे। हमारे साथ में पूर्व सरपंच वेद प्रकाश लाव जी, एडवोकेट फिलहाल में हैं। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार। तो कैसा महसूस कर रहे हैं, आज बेटा आपका गोल्ड ले गया है? पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ, जो आपके सारे देश की, हमारे खासकर बड़म्बा गाँव की कवरेज आप देते हैं, आपको आप बधाई के पात्र हैं, और गौरवान्वित ऐसे हैं कि हमें हम खुशी जाहिर नहीं कर सकते हैं। पूरे गांव को गर्व है, पूरे इलाके को गर्व है, हमें उम्मीद है कि हमारा बेटा हमारी आशाओं पर खरा उतरेगा। चलो, हमारे साथ में हरियाणा शुगर फेडरेशन के जो डायरेक्टर हैं मनोज लाव जी, पूर्व सरपंच रहे हैं। मनोज भाई, राम राम। राम राम भाई। क्या कहना चाहेंगे आज अपने भाई को लेकर? देखो, ये भाई है, ये हमारा घर का, मेरा भाई नहीं है, ये पूरे गाँव का और पूरे देश का भाई है, और इसके लिए जो ये पूरा गांव, पूरा हल्का जो भाई स्वागत में खड़ा है, हम पूरे गांव का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं भाई। अब मेरे छोटे भाई के स्वागत में सारा गांव यहां खड़ा है, तो इसलिए हम पूरे गांव का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। चलो, आप देख सकते हैं, ये वो ट्रॉफी है ऑल इंडिया पुलिस गेम्स की साइकिलिंग मेन्स, ये वो ट्रॉफी है जिसको लेकर गांव में पहुंचे हैं, और पलक पावड़े बिछाकर गांव बड़म्बा इनका इंतजार कर रहा था, पूरे हल्के से लोग उमड़े हैं इनके स्वागत के लिए। राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों।
जैसा कि आप सबको पता है कि गांव बड़म्बा के लाडले बेटे ने जो इंडियन पुलिस, जो नेशनल पुलिस गेम्स हैं उसके अंदर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, और वो साइकिलिंग का गेम है जो एक विशेष गेम है और बहुत बड़ी ताकत रखता है। इस तरह के गेम के अंदर गोल्ड मेडल लेके आना, जिनका चयन भविष्य के लिए इंटरनेशनल के लिए कनाडा के लिए हुआ है, और ये इंटरनेशनल खेलने के लिए कनाडा में जाएंगे, इनका सफ़र जो पिछला सफ़र है वो कैसा रहा है, आइए इनसे खुद ही बात कर लेते हैं। तो हमारे साथ में गोल्ड मेडल विजेता इस गांव बड़म्बा की महम चौबीसी की पूरे रोहतक क्षेत्र की हरियाणा की आन बान शान, जिन्होंने इस देश के नाम को ऊंचा उठाने का काम किया और भविष्य में तिरंगे के नाम को राष्ट्रीय लेवल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले जाने का काम करेंगे, उनसे बात करते हैं। राम राम भाई। राम राम। कहाँ पर आयोजित किए गए थे खेल? ये लखनऊ में थे। लखनऊ में थे, तो कब से तैयारियाँ चल रही थी इनकी? ये काफ़ी टाइम से तैयारियाँ थी इसकी, लंबे टाइम से चल रही थी। तो वहाँ पर किस प्रकार का माहौल था, क्या अपने आप को उसके अनुकूल डालने में कितनी समस्याएं पैदा हुई आपके? समस्याएं तो काफ़ी होती हैं, फिर एडजस्ट करके चलना पड़ता है हर किसी को, और ये मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, तो अलग से होता है अपना। चलो दर्शक साथियों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले इन्होंने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, और नेशनल गेम्स जो साइकिलिंग का इससे पहले हुआ था नेशनल गेम्स, उसमें ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है, लेकिन अथक मेहनत और प्रयास के बाद अब की बार इन्होंने गोल्ड प्राप्त किया है। भविष्य में आपका कनाडा के लिए सिलेक्शन हुआ है? हाँ, आगे के लिए तैयारी। अभी क्या लेके चल रहे हो? अभी आगे के लिए कंपटीशन के लिए और भी ऊपर तक जाने की तैयारी है। गोल्ड का लक्ष्य है वहाँ? गोल्ड के लिए ट्राई है, दम लगा के लड़ेंगे, फुल अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छूटेगी। तो गांव का आज देख रहे हैं, पूरा गांव उमड़ के आया स्वागत के लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं? गांव की खुशी और मेरी खुशी इसमें मैं जाहिर नहीं कर सकता, अब तो और भी ज़्यादा जोश के हिसाब से चलेंगे। जैसे दर्शक साथियों, आपको बता दूं, इस गांव के अंदर तीन तीन चार चार खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, और ये उसी का नतीजा है, लगातार खेल होते रहते हैं, और गाँव के लोग खेल के ऊपर हर साल 50 लाख रुपए के लगभग खर्च कर देते हैं, क्योंकि भविष्य उनका मजबूत हो, और भविष्य में युवा जो गांव के युवा हैं, बच्चे हैं, देखने वाले हैं, इस तरह के कार्यक्रम से प्रेरित होकर अमित भाई की तरह देश का नाम रोशन करें और गोल्ड मेडल लेके आए और भविष्य में नशे से दूर रहें, इस भविष्य की जो कुरीतियाँ जो वर्तमान समाज में हैं उनसे दूर रहें। अपने रोल मॉडल किसको मानते हो इस खेल में? मैं रोल मॉडल अपने गांव को ही मानता हूं, जो मेरी फैमिली ने मेरा सपोर्ट किया है इसके लिए सबसे बेस्ट है। जैसे गांव के स्तर पर साइकिल तो सभी चलाते हैं, लेकिन आपको कहां से ये महसूस हुआ कि इस प्रकार के गेम में आपको आगे बढ़ना चाहिए? मेरे को गाइड किया गया था एक कोच साहब, जोगिंदर कोच हैं, उनके थ्रू मेरे को गाइड किया गया था, क्योंकि वो पहले एयरफोर्स के कोच थे साइकिलिंग से ही, उन्होंने साइकिलिंग से ही भर्ती हुआ था, और अभी फ़िलहाल वो NIS में हैं। तो फिलहाल जिस प्रकार से गांव की भीड़ उमड़ी है, वो भविष्य में आपसे बड़ी उम्मीद करता है, क्या खड़े उतरेंगे? बिल्कुल खड़े उतरेंगे। हमारे साथ में पूर्व सरपंच वेद प्रकाश लाव जी, एडवोकेट फिलहाल में हैं। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आज बेटा आपका गोल्ड लेके आया है? पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ, जो आपके सारे देश की हमारे खासकर बड़म्बा गाँव की कवरेज आप देते हैं, आपको आप बधाई के पात्र हैं, और गौरवान्वित ऐसे हैं कि हम खुशी जाहिर नहीं कर सकते हैं। पूरे गांव को गर्व है, पूरे इलाके को गर्व है, हमें उम्मीद है कि हमारा बेटा हमारी आशाओं पर खरा उतरेगा। चलो, हमारे साथ में हरियाणा शुगर फेडरेशन के जो डायरेक्टर हैं मनोज लाव जी, पूर्व सरपंच रहे हैं। मनोज भाई, राम राम। राम राम भाई, क्या कहना चाहेंगे आज अपने भाई को लेकर? देखो, ये भाई है, ये हमारा घर का, मेरा भाई नहीं है, ये पूरे गाँव का और पूरे देश का भाई है, और इसके लिए जो ये पूरा गांव, पूरा हल्का जो भाई स्वागत में खड़ा है, हम पूरे गांव का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं भाई, मेरे छोटे भाई के स्वागत में सारा गांव यहां खड़ा है, तो इसलिए हम पूरे गांव का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। चलो, आप देख सकते हैं, ये वो ट्रॉफी है ऑल इंडिया पुलिस गेम्स की साइकिलिंग मेंस,
ये वो ट्रॉफी है जिसको लेकर गांव में पहुंचे हैं और पलक पावड़े बिछाकर गांव वालों भाई इनका इंतजार कर रहा था। पूरे हल्के से लोग उमड़े हैं इनके स्वागत के लिए। मैं चाहूँगा युवाओं से इनसे एक शिक्षा लें और भविष्य में इस तरह की उम्मीद करें ताकि आपके थ्रू आपके देश का नाम रोशन हो। अमित कुमार गोल्ड मेडल लेके आए, साथ में उन्होंने ट्रॉफी को अपनी माँ को सौंप दिया है। आंटी जी कैसा महसूस हो रहा है आज बेटा मेडल ले गया? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। हाँ। क्या खिलाया बेटे को इतना तैयार किया? चूरमा बना बना, माल पूड़े बना बना, कने जलेबी तर तर, कने देसी घी में। अच्छा, देसी घी का चूरमा, माल पूड़े और जलेबी खिलाई ताकि बेटा मजबूती से इस खेल को खेल सके और मेडल आगे ले सके। भविष्य में क्या उम्मीद करते हो? अच्छा मेडल ले गए, बहुत खुशी हो रही है। और ये हमारे हमारे साथ में अमित कुमार की धर्मपत्नी है, आप कैसा से महसूस कर रहे हो आज जो मेडल ले गए अमित? बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत। बेटा है या बेटी है? बेटा। क्या उम्मीद करोगे ये भी इसी तरह से आगे इस तरह खेल सके? बिल्कुल। अच्छा, आज गांव बुढ़पड़ैन के स्वागत के लिए कितना गर्व महसूस कर रहे हो? बहुत गर्व महसूस हो रहा है, बहुत कर रहे हैं। पूरा पूरा परिवार बिल्कुल खुश है और अपने लाडले के ऊपर बिल्कुल गर्व महसूस कर रहा है। गांव बलम्बा के खिलाड़ी को आशीर्वाद देने के लिए तपा प्रधान भीम सिंह जी हमारे बीच में है। गाँव का बेटा गोल्ड मेडल लेके आया है और साइकिलिंग का खेल, बहुत बड़ी उम्मीद है, क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी हो रही है? इतनी खुशी हो रही है सारे गांव में, बहुत खुशी हो रही है। बेटे ने बहुत अच्छा काम किया है, आगे भी वर्ल्ड में पहुंचेगा, आगे भी बड़ा मेडल लेगी। हर गांव ने आशीर्वाद दे दिया, ये पूरा सफल हो। तो आपसे पहले भी मेरी बात हुई थी कि इस गाँव में खासकर एक नशे को लेकर एक बड़ा अभियान भविष्य में सामने आने वाला है, उसका क्या प्लान चल रहा है? भाई उसका यूए प्लान है, थोड़े दिन में ये सरपंच और जयपुर के हो रहे हैं, इसके बाद में इसका प्रयास पूरा कर रखा है। भाई हमें यू नशे दे युवा वर्ग का पेंडा छुटवा, जो अच्छे कर्म होंगे तो छूट जाएगा, ये उम्मीद पूरी है। हिंदुस्तान का पहला ऐसा गांव है बलम्बा जिसके अंदर 3 से 4 फुटबॉल प्रतियोगिताएं, कबड्डी प्रतियोगिताएं, रेसिंग की प्रतियोगिताएं और अब एक नया खेल एंट्री कर गया गांव बलम्बा के अंदर, साइकिलिंग का खेल। क्या ऐसे ही खिलाड़ियों से उम्मीद करोगे भविष्य में आपका भविष्य उज्जवल हो? देखो प्रयास तो युवा से इस नशा मुक्ति मिल जाएगा ना, तो युवा वर्ग सही लाइन पकड़ रहे हैं, कामयाब हो जाएंगे, एक दिन गांव का नाम रोशन कर देंगे। चलो धन्यवाद। मैं चाहूँगा युवाओं से इनसे एक शिक्षा लें और भविष्य में इस तरह की उम्मीद करें ताकि आपके थ्रू आपके देश का नाम रोशन हो।